से मौत के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जमुई के सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसी तैयारी के शराबबंदी कानून को मुख्यमंत्री ने लागू किया। सुर बदल जाते बिना किसी उचित तैयारी के 2016 में अपनी ज्ञान प्राप्ति के अनुसार ये शराबबंदी का कानून लिया, वहां तक भी ठीक। 2016 में जब गोपालगंज में जब इसी तरीके की घटना घटी, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लगभग शायद 19 लोग उस वक्त भी मरे थे, सरकारी आंकड़ा था, हकीकत में शायद बहुत ज्यादा मरे होंगे। उस वक्त 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, और आज एकदम से ये बोलते हैं कि भैया मुआवजा नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी नीति, जिस दिन सुबह उठ के इनके जहन में जो आता है वो उस दिन की नीति बन जाती है क्या? भाई कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा आश्रितों में से एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो भाई जब हम लोग की सरकार आएगी तब हम लोग देंगे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नालंदा पहुँचे, जहाँ उन्होंने बिहार शरीफ में कहा कि बिहार में शराबबंदी सभी दलों के निर्णय के बाद ही की गई है और अब समीक्षा करने की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी जारी रहना चाहिए और इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। समीक्षा कानून कोई एक व्यक्ति की इच्छा से, एक पार्टी की इच्छा से नहीं बना है। इसमें लगभग सभी दल के लोगों ने समय समय पर सपोर्ट किया है, साथ दिया है, बिहार की जनता की ओर से आवाज़ आई है और उसके आधार पर यह कानून बना है। इसलिए इसमें कोई समीक्षा की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अत्तारी वाला जो इशू है उस पर जरूर गौर करने की जरूरत है। अलग से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी साथ में थे और उन लोगों ने भी कसम खाई इस कानून को सफल बनाएंगे, खुद भी नहीं पिएंगे, दूसरे लोग भी ना। खबर नालंदा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कन्वेंशन हॉल में सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने ललन सिंह को सम्मानित किया। इस दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री अशोक कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जब शराबबंदी लागू अवैध ढंग से देसी शराब और स्पिरिट का इस्तेमाल करके बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है और सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बीजेपी सांसद ने इस दौरान यह भी कहा कि सरकार गरीबों के प्रति संवेदनहीन है। देखिए छपरा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है, सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। तो सरकार ने गोपालगंज में क्या किया कि पहले 4-4 लाख रुपया दे दिया कि वसूलने में समय लगेगा, बाद में उसको वसूल लेंगे, और 4-4 लाख रुपया लोगों को दे दिया। तो अगर खजुरबंदी में 4 लाख रुपया दिया गया तो आज जहरीली शराब कांड सारण में क्यों नहीं दिया जाएगा? और इतने गरीब लोग हैं, नीतीश जी आपकी संवेदना मर गई है क्या?